दसवीं क्वेश्चन में हमें पोयम एक्सट्रैक्ट के बारे में तीन तीन ऑप्शन पूछे गए हैं दसवीं क्वेश्चन में, तो देखते हैं कैसे पता चलेगा हमें कि किस में क्या उत्तर है। देखो इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा बॉटम का मतलब क्या है। ठीक, बॉटम का मतलब होता है निचला सिरा, इसका अपोजिट पूछ लिया गया है, और बॉटम मतलब निचला सिरा का ऊपरी सिरा होगा, ठीक है ना, ऊपरी सिरा होगा, ऊपरी सिरा को हम टॉप कहते हैं। ठीक, वंडरफुल तो अद्भुत होता है, और जो रेल होती है पवन चक्कियाँ होती हैं, घुमाना होता है, सिखिलाना होता है, ये तो हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, बॉटम का टॉप होगा। फिर इसके बाद राइम्स वर्ड बताने हैं ट्री का, जैसे सीता का गीता, ठीक है, और फिर नाइट का साइट हो जाता है, ऐसे बहुत से वर्ड हैं, तो ट्री का मी होगा, क्योंकि ट्री और मी एक सा उच्चारण आता है, ठीक है ना, तो ट्री का मी होगा, क्योंकि ट्री का विल नहीं हो सकता, जैसे विल का मिल हो जाता, ठीक, और फिर यहाँ टॉप तो किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक से उच्चारण है नहीं, तो ट्री का मी हो जाता। फिर तीसरा, गिव द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो यहाँ पे जे जो चार लाइन पोयम की ली गई हैं, जे किस पार्ट से ली गई हैं, उस पार्ट का नाम बताना है हमें, उस पोयम का नाम, तो द वंडरफुल वर्ल्ड आप याद रखेंगे, द वंडरफुल लिखा है, ठीक, और वर्ल्ड और लिख देंगे, द वंडरफुल वर्ल्ड पार्ट से ली गई हैं जी। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं इसका बी नंबर, जे थोड़ी कठिन आया था, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, इसमें भी तीन ऑप्शन दिए गए थे, पहला है डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय, ठीक है, या फिर होता है डियर का दूसरा मीनिंग होता है महंगा, ठीक है ना, दो मीनिंग होते हैं डियर का, महंगा और प्रिय भी होता है। ठीक, और महंगा का यदि हमें विलोम शब्द बताना है तो सस्ता होगा, कॉस्टली तो कीमती कहलाता है, प्रीसियस कीमती, विलव्ड जो होती है लवर कहलाते हैं प्रेमिका, और चीप जो होता है जे सस्ता, तो चीप इसका सही उत्तर होगा। फिर द वर्ड जंपर, उन्हें बताया जंपर शब्द के दो मीनिंग्स हैं, और इट्स वन मीनिंग इज वन हु जंप, एक तो मीनिंग ये है कि जो जंप करता है, तो सेकंड मीनिंग क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखेंगे, अ वोमेंस लूजेज आउटर गारमेंट्स, मतलब एक ऐसा कपड़ा जो महिलाएं पहनती हैं जिसे हम स्वेटर कहते हैं, या स्ट्रेंज जो होता है, अद्भुत होता है, डिफरेंट, अलग अलग होता है, ब्लेम दोषी ठहराना होता है, तो जो जंपर होता है उसका मतलब होता है स्वेटर, स्वेटर मतलब गारमेंट्स आपको नजर आ रहा, तो गारमेंट्स जो होते कपड़े होते हैं। फिर बताना नेम द पोएम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कि यह पोयम किस पोयम से ली गई है, उस पोयम का नाम, तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है पार्ट का नाम, ठीक है ना, डिफरेंट बस लिखा है, लैंग्वेज नहीं लिखा है, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज से पार्ट का नाम जो है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सही उत्तर होगा।